हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो उमर कैफ जो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स में से एक हैं, उन्होंने हमें भेजा है. और क्वेश्चन ये पूछा है कि सर, एक्टिंग कोर्स के बाद, मॉडलिंग कोर्स के बाद हमें अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, या जब हम एक्टिंग मॉडलिंग कोर्स कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई छोड़ के हमें उसको परस्यू करना चाहिए. गाइस, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बट सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा. आप सबका प्यार जो मुझे यूट्यूब पे मिल रहा है, इतने सारे कॉमेंट्स और इतने सारे मैसेजेस आप लोग करते हो और इतने प्यार से मेरे वीडियोज को देख रहे हैं. मजा सबसे ज्यादा तब आता है जब आप लोगों के कमेंट्स और मैसेज आते हैं. मेरे पास स्क्रीनशॉट्स रखे हैं और मैं उनपे भी जरूर वीडियो बनाने वाला हूँ, कि लोगों के मैसेज आते हैं कि सर, किसी ने मुझे ऐसे अप्रोच किया और मेरे से पैसे या मॉडलिंग या एक्टिंग को लेके कोई उल्टी सीधी बातें करे, और उन्होंने मेरे वीडियो के एग्जाम्पल दे के लोगों को बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, या आप झूठ बोल रहे हैं, या आप फ्रॉड हैं. तो आई एम सो हैप्पी कि पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड. आप लोगों को पता चल रहा है कि मॉडलिंग और एक्टिंग की रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है. और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा अपना यूट्यूब चैनल पे. मेरे जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, क्वेरीज हैं, आप नीचे मेंशन जरूर करें किसी भी वीडियो पे जो आप देखते हैं, और मैं कोशिश करके उनमें से ही वीडियो बना के आपके क्वेरीज को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा. तो बात करें मॉडलिंग और एक्टिंग की कोर्सेज की, गाइज, जो भी आप में से मॉडलिंग या एक्टिंग कोर्सेज अभी कर रहे हैं, कोर्सेज नहीं भी कर रहे हो, अगर मॉडलिंग और एक्टिंग ज्वाइन करने का भी सोच रहे हैं, तो जो उमर कैफ ने सवाल पूछा है कि हमें अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए इन चक्कर में, मेरा आपसे एज अ फ्रेंड यही एडवाइस रहेगा कि आप जो भी करें, मॉडलिंग एक्टिंग जो भी इंटरेस्ट है आपका, जो भी करना चाहते हैं, उसको जरूर फॉलो करें. बट एट द सेम टाइम अपनी पढ़ाई, स्टडीज, आपकी जॉब, जो भी आप कर रहे हैं जिससे आपके करियर में आगे आपको हेल्प होने वाली है, जिससे आपका एक फिक्स इनकम जनरेट होती है, उसको आप ना छोड़ें. क्योंकि मॉडलिंग और एक्टिंग एक ऐसी चीज है गाइस, जो मतलब आपको हर रोज काम नहीं मिलेगा. और चाहे कोई जितने से जितना बड़ा स्टार, एक्टर या मॉडल हो, ऐसा नहीं होता कि वो महीने में 30 डेज के 30 डेज आपके पास काम हो. तो भगवान करे आपको असाइनमेंट मिले, काम मिले, बहुत जल्दी मिले, बट जब तक काम नहीं मिलता है, जब तो वो पहला ब्रेक नहीं मिलता है, आई वुड एडवाइज यू कि आप अपना पढ़ाई और जॉब जो भी कर रहे हैं उस पर फोकस रखें, और उसको फुल फ्लेज अच्छे से मेहनत करके उसमें आगे आप यू नो परस्यू करें उसको. बिकॉज पहला ब्रेक मिलने मिलने में बहुत टाइम लग जाता है. ऐसा नहीं होता है कि आज आपने मॉडलिंग एक्टिंग का पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो लेते ही आप मार्केट में गए और उसके बाद इमीडिएटली आपको काम मिल जाएगा. काम मिलने में भी बहुत टाइम लगता है, पहला ऑडिशन आने में भी बहुत टाइम लगता है, और बहुत सारे जो फ्रॉड एजेंसीज या फोटोग्राफर्स या एड वाले अगर आपको बोल रहे हैं कि आ जाओ और फटाफट आपका यू नो लाइन चल पड़ेगी, आपको यू नो मॉडलिंग एक्टिंग में काम मिल पड़ेगा, तो ये सब झूठ है, उनसे बच के. और बस यही मैं आपको बताना चाहता था कि पढ़ाई और आपकी जॉब जो भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अभी के लिए, जब तक आपका करियर स्टार्ट नहीं होता. और किसी के भी कहने में आके आप इन चीजों को मत रोकिएगा. मॉडलिंग एक्टिंग को एज अ पार्ट टाइम आप उसको परस्यू करें, बट नॉट फुल टाइम. और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, ऐसे ही प्यार देते रहिए. 50,000, 52,000 सब्सक्राइबर्स हम लोग ऑलरेडी यूट्यूब पे हो चुके हैं. और कोई भी आपकी क्वेरी है मॉडलिंग एक्टिंग को लेके, और अगर आप अपना पोर्टफोलियो शूट करने के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो मैं नीचे अपने पोर्टफोलियो की बुकिंग का लिंक डाल देता हूँ. मेल, फीमेल मॉडल्स, एक्टर्स, जो भी अपना पोर्टफोलियो कराना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. और सी यू सून, कनेक्ट मी सून ऑन इंस्टाग्राम, प्रवीण भट्ट मेरा हैंडल है. एंड ऐसे टॉपिक्स भेजते रहिए, मैं आपकी वीडियोज बनाता रहूंगा. बाय बाय, थैंक यू सो मच.